लीनियर इनइक्वालिटी पर वीडियो है, अगर ये मॉड लगा हो तो हमें लीनियर इनइक्वालिटी की वैल्यू अगर एक्स की निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल मैथ्स के हिसाब से करिए। आप इसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। आप पहले ये जो क्वेश्चन है आप इसको जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, आराम से कुछ नहीं करना। दूसरी बार आप क्या करोगे, क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर गिनती चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बाहर आके वो प्लस में निकलती है। तो पहले हमने वो जो गिनती है उसे प्लस में रखा तो हमारा एज इट इज़ हो गया। अब हम मान लेते हैं इसके ये माइनस में है, तो हमने ये बाहर ब्रैकेट लगाया माइनस और x प्लस 1 अपॉन 3 किया और ये ग्रेटर देन 8 बाई 3 हो गया। अब हमने इसको जब सॉल्व किया x ग्रेटर देन 8 बाई 3, मैथ्स के हिसाब से प्लस 1 बाई 3 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x माइनस 1 बाई 3 इंटू x ग्रेटर देन 8 बाई 3, सॉरी अब ये माइनस 1 बाई 3 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस x ग्रेटर देन 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3/9, यानी माइनस एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3। लेकिन जब अगर एक्स में माइनस लगा होता है यहाँ जो भी निशान होता है उसको हम चेंज कर देते हैं और ये माइनस का साइन भी उधर दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये एक्स हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा और ये 3 और ये माइनस बन जाएगा। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। यहाँ पर आकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7/3, यानी अब हम इसको ओवरऑल अगर रीड आउट करेंगे तो x की वैल्यू 7/3 से ज़्यादा है, यानी आपका बना 7/3, ∞। फोन दीजिए या x की वैल्यू इससे कम है तो −∞, −3, यानी इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा −∞, −3 यूनियन 7/3, ∞। इस तरह से क्वेश्चन है 4−x + 1 < 3। ठीक, जैसा मैंने इसको कहा था आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हमने इसको जैसा है एज इट इज़ इसको सॉल्व किया सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 4/1 जुड़ गया 5−x < 3, माइनस एक्स 3 और ये 5 उधर चला गया तो −5, यानी −x < −2। अब यहाँ पर x में माइनस लगा है, ठीक है, और दोनों ही तरफ माइनस भी लगा है तो हम माइनस निशान काट देंगे लेकिन ये ग्रेटर देन 2 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बाहर माइनस लगा लिया और −4−x + 1 < 3, अब हमने माइनस साइन अंदर लेके गए तो −4+x + 1 < 3, तो x − 3 < 3, तो x ये 3 उधर चला गया, 3+3 = 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 से कम है, x की वैल्यू 6 से कम है और यह 2 से ज़्यादा है। अगर हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये आगे इन्फिनिटी गया, ये −∞ गया, तो ये −1 है। तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा यानी इस तरफ जा रही है और 6 से कम यानी इस तरफ जा रही है, यानी ओवरऑल इसका आंसर हो गया 2.6।